दोस्तों क्या होगा अगर आप अपने एक्वेरियम की छोटी सी गोल्ड फिश को किसी समंदर या फिर लेक में डाल दो तो आप कहोगे वो तो छोटी सी है, उसे कोई बड़ी मछली खा लेगी आगे। पर मैं कहूँ कि अगर इसका उल्टा होगा तो मतलब आपकी गोल्ड फिश किसी और मछली को खा ले। तो मैं आपको बताती हूँ, ऑस्ट्रेलिया की वेसर रिवर में कुछ लोगों ने अपनी पालतू गोल्ड फिश को बहा दिया था और वहाँ के कुछ मछुआरों को फिर इतनी बड़ी गोल्ड फिश मिली थी जैसे कि छोटी गोल्ड फिश को डोरेमोन ने अपनी बिग लाइट से बड़ा कर दिया हो। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया और पता चला कि अगर आप गोल्ड फिश को उसकी नेचुरल यानी कि नदी में बहा दोगे तो वो अपने साइज से बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो और छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं। और ये नदी के पानी के लिए बहुत खतरनाक होती हैं क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं जो नदी के पानी को दूषित करता है और ये कई बीमारियां भी फैलाती हैं दूसरी मछलियों के लिए। और अगर गलती से उन बीमार मछलियों को हमने खा लिया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ओवरऑल ये हमारे इकोसिस्टम को बहुत हार्म करती है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक छोटी सी मासूम सी गोल्ड फिश इतनी दानव जैसा रूप ले सकती है। कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब।